जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अष्टम टू अष्टम थ्योरी की। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपने फिर से सीखना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ मेरे सिखाने से कई लोगों को दिक्कत परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। आप नित्यक्रम वैसे ही अपने नोट्स बनाते चले जाइए, सीखते चले जाइए, ताकि ये कार्यक्रम आपको कुछ सिखाने में मददगार सिद्ध हो सके। तो आज हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों, जनरल इंट्रोडक्शन में जो चली आ रही हैं बातें, जो बेसिक्स हमारे चले आ रहे हैं, जिसमें हमने उच्च नीच भी पढ़ लिया, जिसमें हमने दृष्टियाँ भी पढ़ ली, जिसमें हमने ग्रहों के कारक भावों को भी पढ़ लिया, ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो चले हैं। तो आज अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अष्टम टू अष्टम थ्योरी की, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, बहुत सारे लोगों ने खुद पढ़ करके इसे डिफाइन करना शुरू कर दिया है। तो मुझे खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी ज्योतिष विद्वान के काम भी आ रहा है, जो उसकी आधी अधूरी नॉलेज थी उसे पूरा करने में ये प्रोग्राम सहायक सिद्ध हो रहा है। वो लोग बहुत सारे काल सर्प योगों के वहम में पड़े हुए थे, बहुत सारे पितृ दोषों के वहम में पड़े, उन सब से निकल करके जो त्रिशक्ति बेचने के चक्कर में थे, उन सब को बंद करके ये सिस्टम में प्रॉपर ढलने शुरू हो गए हैं। लोग इसे प्रॉपर ढंग से सीखना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसी सिखाने की श्रृंखला में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टम टू अष्टम थ्योरी की। अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर आपको समझ में आ जाएगी, बड़े ध्यान से इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, वो आपका कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करती है। अष्टम टू अष्टम थ्योरी का मतलब क्या होता है प्रिय दर्शकों, आइए आपको बोर्ड की मदद से समझाता हूँ। ये लगन है, लगन यानी आप स्वयं हो। ये यहाँ आकर के आठवें भाव में मृत्यु स्थान आ जाती है, या आयु स्थान कह देते हैं कई लोग, तो इस भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। अगर ये आप हैं, ये आपका व्यय है, ये मृत्यु है, तो इससे बारहवां घूम कर आता है सातवां भाव, जो कि मृत्यु का व्यय माना जाता है। मृत्यु का व्यय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आठवें से फिर बारहवां बनता है। जैसे ये आप और आपका व्यय बनता है, ये मृत्यु और इसका व्यय बनता है। अगर कुंडली में, ये प्रिय दर्शकों कॉपी पेंसिल पे नोट कर लीजिए, बड़े ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का मालिक यानी सप्तमेश, जिसे हम सप्तम भाव का स्वामी कहते हैं, अगर आपकी लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी लग्नेश का एंटी पार्टी हो या लग्नेश का शत्रु हो, तो सप्तम भाव का स्वामी अति मारक ग्रह बन जाता है। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मेष लगन की कुंडली बनाई है, आठवें से बारहवां शुक्र देवता बने सातवें घर के मालिक, और लगन लॉर्ड जो हैं यानी लग्नेश जो हैं वो मंगल देवता हैं। मंगल देवता देवताओं में आते हैं और शुक्राचार्य दानवों में आते हैं। तो इस लगन कुंडली में सातवें घर का मालिक अति मारक ग्रह बना। हर कुंडली में इसे एप्लीकेबल कीजिएगा, लेकिन चार लगन कुंडलियाँ ऐसी हैं जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसकी आपको दो चार मिनट बाद में जानकारी देता हूँ, पहले ये जानकारी कंप्लीट कर लूँ। लगन का उल्टी पार्टी होना अपने आप में एक मार्केटिव डेवलप करता है, और वो चीज़ टोटली नेगेटिव मानी जाती है। आठवें से आठवां तीसरा घर बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठवें से आठवां घर बना तीसरा। इससे फिर अगर द्वादश घर लोगे तो दूसरा घर बना, जो कि लग्नेश का एंटी पार्टी है। अगर तीसरे घर से बारहवां घर गिनोगे तो वो दूसरा घर बनेगा, इसके मालिक फिर शुक्र देवता बने। शुक्र देवता बनने से जो लगन का मालिक मंगल और दूसरे घर का मालिक शुक्र देवता बनने से एंटी पार्टी हो गए। तो इस लगन कुंडली में
दूसरे घर का मालिक भी शुक्रदेव बने और सातवें घर के मालिक भी शुक्र देवता बने, जो के लग्नेश से एंटी पार्टी होने की वजह से एक मारक ग्रह बन गए। तो ये आपको हर लग्न कुंडली में नोट करना होगा प्रिय दर्शकों। जैसे मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि आपकी कुंडली में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसी श्रृंखला को कंटिन्यू रख के, उसी बात को दिमाग में रख के आप ये चीज़ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर दूसरे घर का मालिक लग्न का एंटी पार्टी हो या लग्न का अति शत्रु हो तो वो मारक ग्रह गिना जाता है। और सातवें भाव से भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अगर सातवें भाव का मालिक लग्न का एंटी पार्टी हो और लग्न का शत्रु हो तो वो मारक ग्रह बन जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिथुन लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में और मीन लग्न की कुंडली में जब सातवें घर का मालिक आप देखोगे तो वो कभी भी मारक नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सम का रिलेशन रखते हैं। उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करके हमें बताती है कि वो अपनी दशांतरा में कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। मैं इसके बाद दो चार एपिसोड्स और बेसिक्स के रह गए हैं प्रिय दर्शकों, इसके बाद मैं आपको लग्न कुंडलियां डिफाइन करना शुरू करूंगा, उसके कारक और मारक डिफाइन करना शुरू करूंगा, उसके बाद आपकी लग्न कुंडली से प्रैक्टिस भी करवाना शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें आई हैं कि हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। हमें कैलकुलेशन तो समझ में आती है कि ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करना है, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको व्याख्यान कैसे देना है ताकि सामने वाला समझ पाए कि कुंडली की एनालाइजेशन ऐसे होती है, उसकी प्रैक्टिस मेरी कोशिश रहेगी कि हर लग्न कुंडली के साथ आपको देता चला जाऊं, ताकि आपका प्रैक्टिस होती चली जाए और आप कैलकुलेशन करने में निपुण बनते चले जाओ। तो प्रिय दर्शकों, दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु हो या लग्नेश का एंटी पार्टी हो, इसे प्लीज़ ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी पेंसिल पर, कि दूसरे और सातवें घर का मालिक अगर लग्नेश का एंटी पार्टी हो या लग्नेश का शत्रु हो तो वो मारक ग्रह गिना जाता है। वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव बुरे फल ही देता है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जान गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अब दशाओं को डिफाइन करना शुरू कर दिया है इस ज्योतिष जागृति को देख करके। अब वो कालसर्प और पितरों से पीछा छुड़ा रहे हैं, अब वो सच्चाई पे आना शुरू कर दिया है उन्होंने, ताकि सच क्या है, क्योंकि आम जनता समझ गई है सच क्या है। आम जनता का सच समझना उनको भी मजबूर कर देता है कि वो सही ट्रैक पर ही आएँ और दशा अंतरा को ही डिफाइन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि बेसिक्स आपको इस तरह से क्लियर किए जाएं ताकि आप खुद की कुंडली एनालाइज करने में दिक्कत परेशानी आपको कभी भी ना आए। तो प्रिय दर्शकों, आठवें से बारहवां, आठवें से आठवां घर ये बना, इससे बारहवां फिर ये बना, ये लग्नेश मंगल का एंटी पार्टी है, इसलिए ये दोनों ही घरों के मालिक अति मारक ग्रह बन गए, जो कि लग्न कुंडली में सदैव अशुभ माने जाते हैं। चार लग्न मैंने पहले भी डिफाइन किए, अब दोबारा आपको डिफाइन करता हूँ कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये चार लग्न ऐसे हैं जिसमें सातवें भाव का मालिक कभी भी मारक नहीं होता, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपस में अति शत्रु नहीं हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर बुध बुद्धि है तो बृहस्पति ज्ञान है, बुद्धि तभी आ सकती है जब उसमें ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान तभी बंदा अर्जित कर सकता है जब उसमें बुद्धि होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बहुत से लोग ये डिफाइन करते हैं कि सर बुध तो दानवों में गिना जाता है, प्रिय दर्शकों ये बात सदैव याद रखिएगा, बुध कदापि भी दानवों में नहीं गिना जाता। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि अगर बुध दानवों में गिना जाता तो क्या बुध सूरज के साथ अपनी अति मित्रता दिखाता, क्या सूरज देवता को इतनी भी समझ नहीं मानी जाती कि वो दानवों के साथ रिश्ता बनाए या दानवों के साथ मित्रता रखें।
तो ये बात आपको स्वयं समझनी होगी, सूरज और बुध अति मित्र हैं, जिसकी वजह से बुध को दानवों में कभी गिना ही नहीं जाता। बुध एक सांझे बिल्ली का कैरेक्टर निभाता है, जिससे हमारा जीवन यापन चलता है, जिससे हमारी सही कैलकुलेशन होने में हमें सहायता मिलती है। और बुध और बृहस्पति आपस में दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसी तरह शुक्र और मंगल भी आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, चाहे ये दोनों एंटी पार्टी ही हैं, क्योंकि मंगल देवताओं में आते हैं, शुक्र दानव गुरु माने जाते हैं, लेकिन मंगल फिजिकल बॉडी है और शुक्र देवता दानव गुरु या उसमें सेक्स सिस्टम माना जाता है। अगर फिजिकल बॉडी होगी, अगर मंगल होगा तो भी उसमें सेक्स सिस्टम हो सकता है, अगर फिजिकल बॉडी ही नहीं होगी तो उसमें सेक्स सिस्टम कैसे हो सकता है। तो मंगल और शुक्र भी आपस में अति शत्रु नहीं है, एंटी पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ये आगे आने वाली श्रृंखलाओं में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, जब आपको मैच मेकिंग की डिटेल बताऊंगा उसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन पिछले एपिसोड्स में मैंने जितना भी आपको मित्र शत्रु का चार्ट समझाया, वो कृपया टिप्स पे कर लीजिए, ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी रहे, आप खुद स्वयं एक अच्छे ज्योतिषी बन करके अच्छी कैलकुलेशन कर पाएं, और जो गलत कर रहा है उससे भी क्वेश्चन कर पाएं, पूछ पाएं कि पंडित जी आप ये गलत डिफाइन कर रहे हो, आप इसकी सही विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। या तो जी के पास पूरा ज्ञान नहीं होगा, या फिर आपसे समझ करके ही वो ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो क्योंकि ज्योतिष जागृति कार्यक्रम का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, ज्ञान को बांटना। जितना ज्ञान बांटा जाएगा उतना ये और अर्जित करेंगे, उतने और 10 किस्म के सवाल दिमाग में आएंगे, जितने सवाल दिमाग में आएंगे हम और ज़्यादा उसकी रिसर्च करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आज आपने समझा अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक अगर लग्नेश का एंटी पार्टी हो या लग्नेश का शत्रु हो तो वो सदैव मारक माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपने अष्टम टू अष्टम थ्योरी नोट कर ली होगी। आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे टिप देने से भी बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जातक हैं जिन्हें इससे भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत सारे काम लोगों के टिप से ही बन जाते हैं। तो दूसरे कई लोगों को ऐसी तकलीफ़ होती है कि टिप भी बता करके अपनी सारी विद्या को रिवील क्यों कर रहे हैं, डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ आम जनता के लिए है और आम जनता को इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो खिंच रहे हैं, जो गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें होने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। तो आज का भी टिप ऑफ द डे देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। अक्सर हमने देखा है, आपने भी आम जिंदगी में देखा होगा, किसी का कोई काम अटक जाता है तो प्रभु से सुखना मांग लेता है। जी मैं चलिया सुख लिया, मैंने एक महीना मैं ये करूँगा, मैं एक महीना पाठ करूँगा, मैं 43 दिन ये पाठ करूँगा, वो ऐसी मैं 43 दिन मंदिर रोज़ जाऊँगा, मैं दिया जलाऊँगा, मैं ये भिखारी को रोज़ खाना दूँगा 50 दिन तक या 40 दिन तक। तो ऐसी सुखनाएँ अक्सर हमने देखा है ज़िंदगी में लोग मांग लेते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध चली जाती है। परमात्मा से कभी भी शर्त लगाकर कुछ नहीं मांगा जाता। जब आप उन 40 दिनों में खाना खाते हो, पहनते हो, नहाते हो, अपने सारे नित्यकर्म के काम करते हो, तो पाठ ही 40 दिन क्यों करना है, या दिया ही 40 दिन क्यों जलाना है, या मंदिर ही 40 दिन क्यों जाना है। जब आप शरीर की खुराक उसके बाद भी वैसे के वैसे ही लेते रहते हो, तो पाठ पूजन जो कि आत्मा की खुराक है, मंदिर जाना जो कि आत्मा की खुराक है, तो वो 40 दिन की बंदिश में क्यों करनी है। वो एक गलत बात है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठ को सदा ही ज़िंदगी में कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे आप पूरी तरह सही मामले में लाभान्वित हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, हमारे न्यायाधीश शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।